वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। एचएन रेक्सवाल आज आपके लिए लाया है सिट्रॉन C5 ए क्रॉस। ये इसकी की देख रहे हैं आप, ये इसका टॉप एंड वेरिएंट है, शाइन मॉडल। दो ही वेरिएंट आते हैं इसमें, फील एंड शाइन। ये इसके इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स एंड DRL से किए हैं इसमें, सेपरेटेड टू के पार्ट्स में मिलेंगे। ये इसके हेडलैम्प्स हैं, ये इसकी फ्रंट लुक है। हेडलैम्प्स में आपको 3 बीम मिलेंगी, 2 हाई बीम है, 1 लो बीम, और ऊपर से LED रिफ्लेक्ट करती है क्रोम पे, तब आगे ये इसका लोगो है सिट्रॉन का। ये इसकी आप कंप्लीट फ्रंट लुक देख रहे हैं, बहुत ही बोल्ड टाइप की इसकी फ्रंट लुक है, और ब्लैक में बहुत ही सेक्सी लग रही है कार। बाकी ये इसके दोबारा से जो इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स और DRL बहुत ही अमेजिंग है। ये जो ये डिज़ाइन देख रहे हो आप, ये सिग्नेचर डिज़ाइन है इसका सिट्रॉन C5 का। ये आपको पूरी कार में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें इसी डिज़ाइन से रिलेट करेंगी। नीचे फॉग लाइट्स मिलेंगी इसमें आपको, और जो फ्रंट लोग है वो मर्ज किया गया है ग्रिल से। उसी के साथ साथ ये आप 18 इंच का इसमें अलॉय व्हील देख रहे हैं, टायर साइज़ है 235/55R18। 18 इंच का डायमंड कट अलॉय व्हील है, बहुत ही प्यारा अलॉय व्हील है, डिज़ाइन बहुत प्यारा है अलॉय व्हील का। इसमें आपको व्हील आर्चेस में ब्लैक प्लास्टिक मिलेगा एज पर व्हील आर्चेस की जगह। और उसी के साथ साथ ये इसके OAVMs है, OAVMs बहुत ही डिज़ाइन बहुत प्यारा है। इनमें इंडिकेटर्स मिलेंगे, जैसे ही आप अनलॉक करेंगे OAVMs ओपन हो जाएंगे और क्लोज भी हो जाएंगे। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, जैसे आप रिक्वेस्ट सेंसर पे दबाएंगे तो OAVMs क्लोज एंड ओपन हो जाएंगे लॉक अनलॉक के साथ। और अंदर इसमें आपको ग्लास होल्डर में आपको एम्बियंट लाइटिंग मिलेगी, तो जब आप अनलॉक करेंगे वो भी ऑन हो जाएगी। उसी के साथ साथ ऊपर आपको रूफ रेल्स मिलेंगी। साइड लुक में आपको क्रोम फिनिश बहुत ज़्यादा मिलेगी, जो आपको बहुत ही अमेजिंग लुक देने वाली है, इसकी अलग ही वाइब्स बना रही है ये जो क्रोम है इसकी। बाकी उसी के साथ साथ इसका 52 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलेगा, डीजल फ्यूल टैंक है इसमें, डीजल इंजन है, डीजल का फ्यूल टैंक है। एड ब्लू ऑयल भी मिलेगा उसी के साथ साथ, एड ब्लू ऑयल का ऑप्शन मिलेगा जो कॉमन है आज के टाइम पे BS6 इंजन्स में। और इसमें स्पार्कल ब्लैक मिलेगा, जितने भी कलर्स है बहुत प्रीमियम कलर्स है इसमें, क्योंकि वाइट भी स्पार्कल है, ब्लैक भी स्पार्कल है, बहुत ही अमेजिंग कलर्स है, प्रीमियम काफ़ी है। इसकी बैक लुक है, इसकी टेल लाइट्स देख रहे हो आप, बैक लुक और फ्रंट लुक बहुत ही अमेजिंग है। जो इसकी टेल लाइट है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और सेक्सी लुक है। जब ये पार्किंग मोड पे ऑन होती है तो और भी ज़्यादा अमेजिंग लगती है। बाकी पीछे आपको सिट्रॉन का लोगो, ये इसकी टेल लाइट है, एक C5 A क्रॉस की बैजिंग मिलेगी। पीछे वाइपर मिलेगा, डिफॉगर्स मिलेंगे आपको रियर विंडशील्ड में। और उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक इसमें आपको टेल गेट मिलेगा, ये इसका टेल गेट ओपन हो गया। 580 लीटर्स का इसमें आपको बूट स्पेस मिलने वाला है, काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस मिलेगा। उसी के साथ साथ इसमें आपको स्पेयर व्हील में भी आपको अलॉय व्हील मिलने वाला है, जो बहुत ही पॉजिटिव आज के टाइम पे शायद ही किसी कार में मिलता है, पहले मिलते थे बट आज के टाइम पे नहीं मिलते हैं। यहाँ पे 12V का सॉकेट मिलेगा आपको उसी के साथ साथ। और इसके अगेन बैक लुक है। उसी के साथ साथ जो इसमें बम्पर है, बम्पर काफ़ी ज़्यादा बोल्ड कर दिया है, पीछे की तरफ निकाल दिया है। इसके एग्जॉस्ट है, और नीचे अगर आप देखोगे तो आपको फ्रंट व्हील ड्राइव मिलेगी, रियर व्हील ड्राइव नहीं है ये 2 लीटर्स के इंजन में। ये इसके जो पीछे का ही है, यहाँ पे कैमरा मिलेगा आपको, ये आप देखो फ्रंट व्हील ड्राइव है, रियर व्हील ड्राइव नहीं है कार। कहीं ना कहीं अपने हैरियर के सेगमेंट की कार है ये, बट जो इसकी ऑन रोड कॉस्टिंग है वो 38 लैक्स की है। ये इसके रियर डोर पैनल्स है, डोर पैनल्स काफ़ी ज़्यादा रॉ है। डिफरेंट फील है, डिज़ाइन वगैरह भी बहुत डिफरेंट दिया गया है, थोड़ा सा फैन अलग ही फील है। यहाँ पे लेदर पॉलिस्टिंग लेगी, ये ऑटो अप एंड ऑटो डाउन मिलने वाला है इसके दो हैंडल्स हैं। सबसे मेन चीज़ मतलब जैसी आपको इसमें सीट देखने को मिलती है, आपको आज से पहले किसी
इंडियन मार्केट में ऐसी कार में ऐसी सीट्स देखने को नहीं मिली होंगी, अलग ही टाइप की सीट्स हैं इसकी भी, मतलब जो अपोजिसी एंड हर चीज़, डिज़ाइन बहुत अलग है और थ्री मतलब तीन बंदे बहुत आराम से बैठ सकते हैं। और चेकआउट करें तो लेग रूम बहुत अच्छा खासा है, बाकी सीट को हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। और तीनों को सबसे मेन चीज़ है कि जो पीछे की रियर सीट से तीनों सेपरेटेड है, तीनों को हम आगे पीछे कर सकते हैं बहुत आराम से। और यहाँ पे ये बूट ट्रे है पीछे से, आप चेकआउट करोगे कितना छोटा दिया गया है शीशा। और उसी के साथ साथ पीछे आपको एयर वेंट्स मिलेंगे और ये C5 एयरक्रॉस का आप इंटीरियर देख रहे हो डैशबोर्ड। बहुत ही न्यू डिज़ाइन में न्यू फीचर, मतलब न्यू जनरेशन टाइप का इसका जो डैशबोर्ड है वो बहुत ही डिफरेंट है। उसी के साथ साथ इसमें आपको पैनारोमिक सनरूफ मिलने वाला है। एसी वैंस बहुत डिफरेंट है और बहुत ही सेक्सी है, फील है कार में थोड़ी डिफरेंट टाइप की फील है, बाकी ईजिली कंफर्टेबली बैठ सकते हैं आप। आपको USB का ऑप्शन मिलेगा, चार्जिंग पॉट मिलेगा। अभी फ्रंट कैबिन में चल के देख लेते हैं। इसका ड्राइवर साइड डोर पैनल है, यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलेंगे, OAVMs के कंट्रोल मिलेंगे एंड यहाँ पे ट्विटर मिलने वाला है। डोर हैंडल है इसका, कुछ स्पेस मिलेगी यहाँ पे। और ये इसका स्पीकर ऑप्शन है, इसमें आपको ऑटोमेटिक 8-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलने वाला है। उसी के साथ साथ अगर हम अंदर बैठते हैं तो इसका आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट काफ़ी अच्छी खासी हाइट पे है एंड मर्सिडीज़ वाला डिज़ाइन है आर्मरेस्ट में, जो मतलब मर्सिडीज़ वाला फॉर्मेट है। इसका घेर नॉब है, घेर नॉब बहुत ही स्पोर्टी टाइप का घेर नॉब है, लाइक पूरा ऐसे करके। जो कंसोल है सेंटर कंसोल बहुत ज़्यादा हाइट पे है, ये इसका स्पोर्ट मोड है, इको मोड है एंड दिस इज़ द आई थिंक हिल रेसिस्ट मोड। यहाँ पे ये सारे के सारे, अब बात करें तो यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलेगा, इसको होल्ड करके रखेंगे तो ये इसकी स्क्रीन ऑन हो जाती है एंड पूरी डिजिटल आपको डिस्प्ले मिलेगी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। और ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है। एसी वेंट्स बहुत ही प्यारे हैं, इसके जो एसी वेंट्स के डिज़ाइन है बिल्कुल ही मतलब वही एक थीम से मैच करते हैं, जैसे कि आपको आगे मैंने रनिंग बोर्ड में और आगे फ्रंट लुक में दिखाया था वही सेम चीज़ है। पे आपको लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिलेगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलेगा और ये जो वो है ऑटो स्टार्ट स्टॉप का, यहाँ पे हैजर्ड लाइट बटन है, ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप है, डिफॉगर्स का बटन है और ये इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है चल नहीं रहा है, पता नहीं शायद इसमें कुछ लॉकिंग वॉकिंग कर रखी है तो इस वजह से चल नहीं रहा है ये। और ये इसके DRLs है, डिपर मारियो डिपर, हाँ डिपर मार, हाँ ये इसके डिपर्स है। तीन बीम मिलेंगी इसमें आपको LED वाली, जिसमें एक अभी डिपो मार के दिखा दिए, दो जल नहीं रही है। और ये इसकी नीचे से देखो कितनी बोर्ड लुक है। तो इसका अब इंजन भी खोल के देख लेते हैं, बाकी इसमें 2 liters का सिर्फ डीजल इंजन ही मिलेगा आपको, पेट्रोल इंजन नहीं आता है, सिर्फ एक इंजन मिलेगा 2 liters का जो प्रोड्यूस करता है 174 PS की पावर एट 3700 RPM एंड 400 Nm का टॉर्क एट 2000 RPM। और बाकी ज़्यादा चूल्हा तो टेस्ट ड्राइव जाके ले लूँ, सही है मेरे हिसाब से तो भाई गाड़ी, मगर प्राइस थोड़े ज़्यादा हैं। और 8-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलने वाला है इसमें आपको, तो वो भी काफ़ी ठीक ठाक है क्योंकि 10-speed ट्रांसमिशन तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इंडिवर में, इसमें 8-speed है वो भी काफ़ी ज़्यादा है लाइक अभी की इंडियन कार्स के हिसाब से। बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इसकी। और इसी के साथ साथ इसमें एक और फीचर चेक करते हैं
जो कि इसमें रिमोट से अगर देखें तो ऑल फोर विंडोज़ एंड सनरूफ ओपन हो जाएगा, तो ये चेक करते हैं इसमें। बाकी हाँ, ऑल फोर विंडोज़ तो ओपन हो गई है बट सनरूफ ओपन नहीं हुआ है। अगर अनलॉक दबाए रखते हैं तो ओपन हो जाते हैं, लॉक दबा के रखेंगे तो ये आपकी ऑल फोर विंडोज़ क्लोज हो जाएंगी, अनलॉक दबा के रखेंगे थोड़ी देर तक तो ओपन हो जाएंगी। ये एक फीचर है, बहुत ही बेसिकली ये फीचर यूज़ होता है जैसे आप कहीं आपकी शीशा खुला रह गया और आप कार से उतर आए तो आप उस टाइम पे क्लोज़ कर सकते हैं उसे, आपको जाके चाबी वाबी लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसी के साथ साथ अगर आपकी गाड़ी कहीं धूप में खड़ी है तब भी आप खोल के थोड़ी वेंटिलेशन कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को करते हैं हैप्पी एंड। अगर आपको वीडियो आई है पसंद तो लाइक से सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी दबा दे। टिल देन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी विद यू फॉर यू ऑलवेज, बाय बाय।